दुबई में सरगना, इंडिया में साइबर ठगी। 3.70 करोड़ की ठगी में जेल पहुंचा मजदूर। साइबर फ्रॉड का नया मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति के साथ 3.70 करोड़ रुपए का साइबर फ्रॉड हुआ। पुलिस ने कंप्लेंट दर्ज कर जांच शुरू की तो पता चला कि इसका कनेक्शन दुबई से है। साथ ही इस मामले में एक मजदूर को गिरफ्तार किया। दरअसल साइबर सरगना अलग अलग अकाउंट में रुपए ट्रांसफर करवाते थे। आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। साइबर फ्रॉड के आए दिन नए नए मामले सामने आ रहे हैं। नया केस बड़ा ही अनोखा है, जहां एक व्यक्ति के बैंक अकाउंट से 3.70 करोड़ रुपए उड़ा लिए गए। इसके बाद एक मजदूर की गिरफ्तारी हुई और इस साइबर फ्रॉड का कनेक्शन दुबई से निकला। आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। दरअसल महाराष्ट्र के नासिक जिले के बड़े उद्योगपति को शेयर ट्रेडिंग के नाम पर साइबर ठगी हो गई। विक्टिम के बैंक अकाउंट में 3.70 करोड़ रुपए उड़ा दिए गए। रिटर्न ना मिलने वाले विक्टिम ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने जब इस मामले में जांच शुरू की तो पता चला कि ये साइबर फ्रॉड दुबई से ऑपरेट हो रहा है। पूरे देश में कई जगह ठगी को दे चुके हैं अंजाम। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस जांच में एक नए मोड्स ऑपरेंडी का पता चला है, जिसके तहत सिर्फ नासिक नहीं बल्कि देश भर में इस प्रकार की ठगी होने की आशंका जाहिर की गई। जरूरतमंद को खोज कर रुपए करवाते हैं ट्रांसफर। जानकारी के मुताबिक ये पूरा नेटवर्क दुबई से चलता है। दुबई में इसका मास्टरमाइंड बैठा है, जो यहाँ पर गरीब लोगों को या जरूरतमंदों को खोजकर उनके नाम से बैंक अकाउंट खुलवाता है। तो वहीं बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए कई बार फर्जी डॉक्यूमेंट का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसके साथ ये लोग साइबर फ्रॉड करते हैं। उस व्यक्ति के पैसे इन्हीं सारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इन अकाउंट में छोटी छोटी अमाउंट में काम आने के बाद जिनके अकाउंट होता है उनको मामूली सा कमीशन देकर उनके बाकी के सारे पैसे ले लिए जाते हैं। पैसे इंडिया से ऑपरेट कर रहा व्यक्ति लेकर बिटकॉइन या अन्य डिजिटल करेंसी के जरिए दुबई या अन्य देशों में ट्रांसफर करता है। पुलिस ने मजदूर को किया गिरफ्तार। नासिक पुलिस के साइबर जेल ने बबलू ठाकुर नामक व्यक्ति को वसई से गिरफ्तार किया, जो एक मजदूरी का काम करता है। बबलू ठाकुर के अकाउंट में 3.70 करोड़ रुपए में से 20 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे। इनमें से 20,000 रुपए का कमीशन दिया गया। मजदूर को भेजा पुलिस कस्टडी में। बबलू यादव को 2 फरवरी तक पुलिस कस्टडी में भेजा जा चुका है। पुलिस जब इसकी जाँच कर रही है कि उस मजदूर के साथ किसने संपर्क किया था और किसने उसके अकाउंट में आने वाले रुपए लिए थे, पुलिस मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।